रात होते ही कुत्ते क्यों रोने लगते हैं? क्या सच में कुछ बुरा होने वाला होता है या उन्हें कोई आत्मा दिखाई देती है या वह हमें कोई पहले ही होने वाली अनिष्टकारी घटना का संकेत दे रहे होते हैं? कुत्ते को भगवान शिव के भैरव अवतार के सवारी के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए कुछ ऐसे भी तर्क दिए जाते हैं कि कुत्तों को बहुत सी बुरी चीजों का आभास पहले ही हो जाता है। कुत्तों को इतना अशुभ माना जाता है कि महाभारत के समय पांडवों को भी स्वर्ग में अपने साथ कुत्ते को ले जाने की अनुमति नहीं थी। कुत्ते के रोने का असली कारण क्या है, इसको लेकर आज हम आपको कुछ धार्मिक मान्यताओं से लेकर साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है इसी बारे में बताएंगे। जब आप रात में चैन की नींद सो रहे होते होंगे तभी आपकी नींद टूट जाती होगी और मन बेचैन हो उठता होगा, क्योंकि जब कुत्ते रोते हैं तो कई लोग काफी डर जाते हैं। इसके पीछे का कारण भारत में सालों से चलने वाली कुछ मान्यताएं हैं। आपने भी सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कुत्तों को रात में भटकती हुई आत्मा दिखाई देती है, इसी वजह से वे जोर जोर से रोना और भौंकना शुरू कर देते हैं। और एक ऐसी भी मान्यता है, किसी जगह पर अगर कुछ बुरा होने वाला होता है तो कुत्ते पहले ही उसी जगह पर रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कुत्तों को बुरी संकटों का आभास पहले ही हो जाता है। चलिए अब हम कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी जान लेते हैं जो कुत्ते के रोने के ऊपर हुई है। स्टडी बताती है कुत्ते अपनी और इंसानों को आकर्षित करने के लिए जोर जोर से रोते चिल्लाते हैं। जब वे किसी नए इलाके में आते हैं तो वे रास्ता भटक जाते हैं, जिससे वे बहुत दुखी हो जाते और अपने ग्रुप से बिखर जाने के कारण भी वह रोना शुरू कर देते हैं। यह रिसर्च तो आवारा कुत्ते के ऊपर की गई थी, लेकिन कई बार घर में मौजूद कुत्ते भी रोना शुरू कर देते हैं। इसका कारण उनकी तबीयत खराब होना दिया गया था। कई कुत्तों के साथ ऐसा पाया गया था, जब कुत्ते अपनी बढ़ती उम्र के साथ खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं या उनका कोई साथी दुनिया से चला गया होता है तो भी वह दुखी होकर रोने लगते हैं। पुरानी मान्यताएं और साइंटिफिक रिसर्च दोनों ने ही अपनी बात रखी है।